हाँ क्यों बाबूजी परिवार को खराब कर रहे हो? 14 साल तो हो गया। बेटा बाबा के साथ जाओगी? अब वो बोल रही है जाना चाहती बाबा के साथ। इनके इनके फादर हैं कहाँ? कहाँ फादर आपके? बुलाओ उनको, एक पढ़ उनको आने दो। बुलाइए फादर को अपने। आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी संदीप पढ़े लिखे हैं, दामाद पढ़ा लिखा है, लड़की पढ़ी लिखी है, तो इतना पढ़ना लिखना बेकार हो गया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि पिछली बार सर रिक्वेस्ट है कि सर मैं अगर आप ऐसे कहेंगे तो फिर करके मर जाऊंगा शायद। आप एक बार मुझे नहीं, मैं कुछ सलाह दूंगा आपको कि आपका, हम तो केवल आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कम से कम एक परिवार को टूटने से बचा सके हम लोग। मैं इतना बोल चुका हूं 14-15 साल से जुडिशियल प्रोसेस में नहीं गिना हुआ हूं, और अगर इसको रहना होता तो कोर्ट कभी रखवा नहीं सकता किसी को। अगर पर्सनली छोटी का रहने का मन होता तो मैं गुजरात रहा, मैं दिल्ली रहा, ग्वालियर भी रहा, कभी शिमला रहा, हर जगह उन्होंने आरटीआई लगाई, कोशिश कभी करी नहीं रहने, एक बार भी नहीं करी। आज की डेट में भी देखिए सेक्शन 31 लगाया देखिए ऐसा है। देखो होता क्या, होता क्या है कि सारी प्रॉब्लम्स माइंडसेट की होती है। अब आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ, समझदारी इसमें है कि दोनों आपस में बैठ करके सुलझा लो। सुनना है कोई बात समझो, बात शुरुआत कहां से होती है? झगड़ा हुआ, अब सुलझाने की बात तो दूर हुई, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ईगो फाइट शुरू हो जाती है, और कहीं खुदा ना खास्ता माँ बाप बीच में आ गए और उन्होंने कुछ माचिस की तिली लगा दी तो वो और एग्रीमेंट हो जाता है। फिर कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर वो आपका मनोबल बढ़ाते हैं। डरते क्यों हो? कोर्ट कचहरी तो है, उनको कुछ समझाते होंगे। अब आपका दिमाग टोटल कंफ्यूज है दोनों का। अब झगड़ा तो दूर हो गया, अब पूरा आपको जो डायरेक्शन मिल रहा है वो लड़ने का मिल रहा है। ऐसे ही होता ही है, और उसके बावजूद मुकदमे होते क्या है? अगर समझदारी से काम ले आदमी तो मुकदमे होने की गुंजाइश ही नहीं होती। अब आप इसी भी प्रॉब्लम है, आप कहोगे साहब ये तैयार नहीं थे, ये कहेंगे ये तैयार नहीं थे। ये कहा जाता है देयर आर नो फैक्ट्स, इट्स ऑल इंटरप्रिटेशंस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके हिसाब से जो सही है उसको आप सही मानते हो, इनके हिसाब से जो सही उसको ये सही मानती है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सही क्या है ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब म्यूचुअल रिजोल्यूशन एफर्ट्स बनते हैं फॉर रिकंसिलिएशन, इसीलिए हम लोग मेडिटेशन बैठाते हैं। आप सुनिए मेरी बात को, आप लगता है ज्यादा तैयार होके आए हैं, बात तय करके आए हो कि और नहीं सुनना है हमको? आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मैं तो समझ गया आपकी बात को, आप उन्होंने बहुत हैरास किया, 12 मुकदमे लगा दिए, आप जीवन शून्य हो गए हैं, जीवन व्यर्थ हो गया है आपका। अब पता नहीं शायद अगर ये कहने वाले हों साहब आप, मैं तो अब मोक्ष लेने वाला हूं, मुझे जीवन नहीं जीना है, शायद कहने वाले हो अब आप। यानी मेरे को समझ में ये नहीं आता कि इतनी ज्यादा होस्टिलिटी करके आखिर तुम रहोगे कहां? अगर आज तुम इनसे अलग भी हो जाते हो करोगे क्या? तुम इतने साल के हो गए हो, 45 उसी के आसपास मैडम भी हुई। आज तुम लोग जिंदगी के उस मुकाम पे खड़े हो जहां आगे चलना कितना मुश्किल होगा अकेले,
और सोचो ये बच्ची जब बड़ी हुई तो तुम लोगों के बारे में इसके क्या ख्यालात होंगे और शादी के बारे में क्या सोचेगी, उसके दिमाग में जो आज एक पॉल्यूशन आ गया है कि मैरिज की ये हसर होते हैं, उस बच्ची की जिंदगी आगे किस प्रकार से जाएगी ये समय ही बताएगा। और उसके लिए आप दोनों जिम्मेदार हैं, आप भी कम नहीं है और आप भी कम नहीं है, आप दोनों जिम्मेदार हैं। जब ऐसा ही था तो क्यों शादी की थी, क्यों बच्चा पैदा किया था? क्या आपकी आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उस बच्चे के लिए? आप जीवन किसके लिए जियोगे? तुम सरवाइव करने के लिए सिर्फ, कि उस बच्ची की देखभाल करने के लिए? शी इज लाइक अ फ्लावर इन अ गार्डन, आप दोनों को उसकी परवरिश करना है। वो प्लांट्स जब आगे बढ़ेगा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आज मेरा बच्चा यहां पहुंच गया, मेरी बच्ची यहां पहुंच गई, उस सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचो कि कितना सुकून मिलेगा तुमको, दोनों को, मतलब आपको भी, ये सोचना चाहिए। शी इज लाइक ए स्मॉल प्लांट इन योर गार्डन, शी विल ब्लॉसम, शी विल ग्रो एंड शी विल रिमेंबर बोथ ऑफ यू, कि हमारे माँ बाप ने कितना किया हमारे। ऐसी जिंदगी चलेगी, उस बच्ची के दिमाग में क्या आगे आएगा, क्या सोचेगी वो आप लोग के बारे में? बच्चों की और बुजुर्गों की बद्दुआएं बहुत लगती है, वेरी सैड। आप मत रहिए साथ में, लेकिन बड़ा गलत कर रहे हैं बच्चे के साथ आप। हाँ, आप इतने सेल्फिश हैं, बच्ची मिल जाए वो बाहर में जाए। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने आपसे कहा, आप कोशिश करो। ऐसा होता तो इसकी तरफ से अगर एक प्रयास भी किया गया होता तो चीज कभी यहाँ तक पहुँचती नहीं सर। जब मैं कितनी बातें बोल दी आपको, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है, देन यू लिव इन हेल वेयर यू वांट टू गो, यू विल नॉट हियर सच केसेस। ठीक है मैडम, जब भी तैयार नहीं है तो लेट हिम सफर एज ही वांट्स टू, सफर करते कुछ नहीं मिल सकता कहीं से, ईश्वर तुम्हें कुछ नहीं देगा, तो बच्चों का ख्याल नहीं है तो मैं किसका ख्याल होगा? आई डाउट यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बींग। मिस्टर शर्मा, वी आर एडजर्निंग द मैटर, इज डिटरमिंड नॉट टू कीप, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू लॉयर्स, कीप ऑन फाइटिंग, आप भी लड़ो, आप भी लड़ो, और देखो कहां तक जाता है मसला। सॉरी मैडम, आपका पर्सुएशन काम नहीं आ रहा है, आपने किससे बात करी, आपने किससे बात करी, आप बताएं, आपने अपने फादर इन लॉ से बात करी, मदर इन लॉ से बात करी? है बात हुई थी। हाँ, तो आपने कहा बहू जी माना चाहते हैं, क्या बोले वो? मैंने ये कहा कि आपने खाना खा लिया। यू शट अप, आई एम टॉकिंग टू हर। हाँ, क्या कहा उन्होंने? कहा रहते हैं वो? ग्वालियर में है, आए हैं आज, बुलाइए। यो
हो बाबूजी परिवार को खराब कर रहे हो। 14 साल तो हो गया। इनके फादर ने आप तो प्यार नहीं है ना इनके फादर है कहाँ कहाँ फादर आपके आने दो बुलाइए फादर को अपने आप कहाँ बैठे हुए हैं आप क्या करते बाबू जी मैं सर रिटायर्ड हो गया 14 साल क्या करते थे आप अच्छा ग्रामीण बैंक में थे आप हम आपकी दुख और पीड़ा को समझते हैं सर मैं 5 साल पहले 6 साल पहले इसी कोर्ट में जज साहब ने आदेश किया था कि आप लोग जाके फादर से आप लोग जाके बात करिए तो मैंने सब ठीक है तैयार हम सब तैयार करने में तैयार फिर आप गारंटी दीजिए कि ये हाइपरेटिव हो जाती मेरे को मारा इनके फादर के सामने ग्लास पानी फेंकते तो ऐसा नहीं करते ऐसे ऐसे बात करो उनको बोलने दीजिए ना आप मेरे को पानी पहने फादर सामने और मेरे को एकदम काला इनको पकड़ लिया मैंने देखी इनके फादर बोला मैंने देखी क्या क्या समझिए मेरी भी लड़की है 22 साल और कोटा राजस्थान में रहती है उस पर 498 केस लगाया यहाँ से हाईकोर्ट से कोई नंबर हुआ उसको खारिज किया झूठे केस लगाए 498 लगाया वो सब खारिज हो गए आपकी वाइफ कहाँ है मेरी वाइफ स्वस्थ है नहीं स्वस्थ नहीं बीमार रहते हैं अभी घर उनकी देखभाल कौन करता है फोन लगा पूछा पापा जी क्या है ठीक बस इतना ही बोला क्या और फिर बच्चे लगा दिए दादाजी ने हमने ठीक ना हमने सॉरी बोला ना माफी मांगे कुछ भी नथिंग अच्छा आपकी वाइफ की देखभाल कौन करता है मैं ही करता हूँ ये तो बाहर से मैं और कोई घर में है महिला नोबडी मैं वाइफ इस बच्ची को पहचानते हो बच्चे को आज तक मैंने देखा नहीं सुन ली हम लोग घर जाकर बच्चे के तमाम बच्चे दादाजी खराब है दादाजी बेकार मतलब इसके दिमाग में ऐसा बढ़िया कि कभी देखती नहीं है पूछो सामने खड़ी याद तो पूछा छोटी बच्ची जब भी आई जो डोमेस्टिक वायलेंस के घर पे आई तो धोती डाल के ले जा रही थी हम लोग देख नहीं रहे बेटा बाबा के साथ जाओगे ये भी तो आपकी जान का टुकड़ा है तो सर पहले बोर्ड केस लगा ले जाने के बच्चे को अब वो बोल रही है जाना चाहती बाबा के साथ तैयार देखिए फादर का किसी क्या कोई नहीं 22 साल 14-15 साल मेरे को काम से मैं सीनियर सिक्योरिटी क्लियर अच्छा ये बताओ 8 साल मैंने ऐसे जूते अच्छा ये बताओ आज कोर्ट में वकील से मिल के आए थे क्या नहीं मैं किसी से मिलकर नहीं आया मैं तो अभी आया मैं आपकी बात कितनी बार रिपीट करोगे आप मैं समझ गया आपकी बात पिछली बार भी ये सब बातें हुई थी मैं आपके पीड़ा को नहीं भुला सकता मैं भी इतना सुनने के बाद मुझे भी गुस्सा आता है कोई कभी किसी महिला के द्वारा इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया गया आपके और वो भी बहू के रूप में जो आपके यहाँ रह रही है उसका हम लोग को पूरा अंदाजा है सवाल इस चीज का है सिर्फ कि आज इस परिस्थितियों में जब ये एक बच्ची है दोनों अधेड़ उम्र के हो गए 45-40 के होंगे से दोनों इनको अगर साथ रहने का मौका दे दिया जाए एक ज्यादा नहीं हम कहते हैं इस मुकदमे को हम रखेंगे अपने पास और एक महीना एक बार साथ रह के देख अगर परिवार बस जाता है तो कितनी अच्छी बात है और कहीं गड़बड़ करी इन्होंने ये मेरा वादा है आप मैं दोबारा गाड़ी लेकर कुछ करेगा हम लोग जाके अभी सामने हमारे घर में आ रहे हैं डीए राजीव शर्मा रहते हैं जो मतलब पिछले रिटायर हो गए डीए शर्मा तो हमने गई चल रहा मेरे मार रहे मार रहे मार रहे पेट रहे चल रहा अरे हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पे बैठे हैं अभी हम लोग अभी हम फादर बैठे इनने आपका गारंटी दी क्या कभी चर्चा की वो फैमिली बोर्ड में आ जाते पैसे लेने के लिए बाबू जी आप कहाँ रहते हैं आ जाते हैं बात नहीं करती कभी बात ज्यादा बोलते हो तुम अलकापुरे में क्या करते हैं आप साइंटिस्ट थे आप भी पढ़े लिखे हो आप संधि पढ़े लिखे हैं दामाद पढ़ा लिखा है लड़की पढ़ी लिखी है तो इतना पढ़ना लिखना बेकार हो गया कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हो
समझाइश देना चाहिए ना, उसका घर कौन सा है, पति का घर है कि आपका घर है? हाँ तो फिर कहीं आपकी तरबियत में गड़बड़ रही है, इसे परवरिश बोलते हैं, या कहीं आप उसके दिमाग को ठीक नहीं कर पा रहे हो, बेटी है आपकी वो, आपने समझाइश देनी चाहिए ना, ये मुकदमे करके और इस प्रकार से अपने ससुर को इंसल्ट करके, पति को ह्यूमिलिएट करके, ये अच्छी बात है? पुराने जमाने में कहते थे ना, पति परमेश्वर प्राणनाथ, ऐसे बिहेव किया जाता है क्या? आपकी पत्नी कभी ऐसे बिहेव किया है क्या आपके साथ, कभी ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ ऐसा होता तो कैसा लगता आपको? फिर अब तो और भी बुरा लगना चाहिए कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, कितने दुर्भाग्य की बात है। आप पढ़े लिखे साइंटिस्ट फादर हो और आप उसको समझाइश नहीं दे पाए, उल्टे मुकदमे करवा रहे हो उससे। आप भी अपनी जिंदगी की शाम में चल रहे हो, कितने लड़के हैं आपके? तीनों बेटे शादीशुदा होंगे, क्या हालात होंगे इनके आपके ना रहने पर? फिर तो समझाइश क्या देनी चाहिए आपको? बेटा अपने घर पे जाओ, बोलिए है कि नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स पिछले समय की हैं। आगे देखो, आप दोनों बैठो, मत इनको साथ रहने दो अभी, लेकिन आप दोनों बैठो, आप दोनों समझी लोग बैठो। भाव जी आप हमने कहा मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं अभी, ठीक है, इन दोनों को मत साथ रहने दो, पहले आप दोनों बैठो बातें करो पहले आप, ठीक है? आप जाएंगे इनके घर, आप इनके घर जाइए और इनसे बातचीत करिए, और आप भी साथ रहिएगा, अपने बाबू जी के साथ आप बैठिएगा और वो भी आएंगे, पूरी बात करिए, समझिए सिचुएशंस को और क्या चाहते हो। जितना दुख दर्द है सब एक दूसरे को बता दो, हल्के हो जाओ। आई थिंक यू आर द मेन कल्प्रिट, यू डू नॉट वॉन्ट देम टू लिव टूगेदर। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, मैं यहाँ पे मुकदमा डिसाइड नहीं कर रहा हूं। जिस दिन मुकदमा डिसाइड करने की बात आएगी तो मुझे 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। मुकदमों को मैं बहुत देर तक सुनने का जरूरत नहीं पड़ती मुझे, 10 मिनट इनको सुनूंगा, 10 मिनट इनको सुनूंगा और फैसला बोर्ड पे लिखा दूंगा। मुकदमे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे, जो मैं कह रहा हूं उसको समझो, करके देखो तो एक बार, कोशिश तो करो। कोर्ट कह रही है 15 मिनट दे दिया हमने आप दोनों को, हमारे इतने वकील पीछे बैठे हुए, उनके मुकदमे नहीं सुन रहा हूं मैं, क्योंकि हम चाहते हैं परिवार एक हो जाए, बट उसके लिए जरूरी है पहले बातचीत हो, तो बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए आप दोनों सती लोगों। आप जाइए बाबू जी के घर और आप मिल के आइए, हम पेशी लगाते हैं उस तारीख में, हम आप दोनों को बुलाएंगे, फिर सोचते क्या है। सुन मैं चलिए, श्री प्रशांत शर्मा काउंसिल फॉर द पिलांट अलॉन्ग विद द पिलांट, क्या नाम है आपका? ज्योति गौतम, काउंसिल रिस्पॉन्डेंट अलॉन्ग विद रिस्पॉन्डेंट। बच्चे आपका ऐश्वर्या नाम है ना, थोड़ा पापा से भी मिलो, चलो शेक हैंड करो, ब्लेस सर।
MS Aishwarya daughter of the parties is also present, besides father of the appellant and father respondent. Stop. During the course of the arguments, during the course of the long hearing, it appears to the court that possibility of reconciliation is not absolutely ruled out, despite the fact both parties have been fighting each other like cat and dogs. Two elderly persons are before us, so as suggested, they have agreed to meet each other and crease out differences between the families so that long separated family is united. Long united and lead a happy married life with their daughter. So, कब जाएंगे आप?